हमारे पशु पक्षी भी जा सकती है? एक मिनट, कोई बीज है उसकी अपनी जाति होती है ना। बीज छोटा होता है और उसका पौधा या वृक्ष बड़ा होता है। तो कोई भी बीज ले लो, बाजरे का बीज है, गेहूं का बीज है, उसको बोएंगे तो एक जाति के पौधे या वृक्ष तैयार होंगे ना, होंगे ना। उसमें जैसा संस्कार भरा हुआ है वैसा ही पैदा होगा। तो ऐसे ही पहले उनको ये समझाना पड़े कि ये जो भी देखने में आ रहे हैं यहां हाथ पांव वाले, ये देह है या आत्मा बीज है, क्या है? पहले तो बुद्धि में ये बैठाओ, पूछो उनसे, ये जो हाथ पांव वाले प्राणी दिखाई पड़ रहे हैं ये देह है या आत्मा है? फिर वो कहेंगे ये तो देह है। फिर इनके अंदर आत्मा है या नहीं है? तो कहेंगे हाँ है, या तो कहेंगे नहीं आत्मा नहीं, बस यही है जो है। तो फिर उनको समझाना पड़े कि अगर ये देह ही है तो जब आदमी मर जाता है तो क्या निकल जाता है? कोई ताकत निकल जाती है ना, तो क्या निकल जाती है, उसको क्या कहेंगे? तो मानेंगे हाँ कुछ निकल जाता है, कुछ है जरूर। तो जो निकल जाता है वही आत्मा है, वही बीज है। इस शरीर रूपी वृक्ष का वो बिंदु बीज है और वो बिंदु मनुष्य जाति का है। क्या? मनुष्य जाति। उसकी जाति ही अलग है, हर बीज की जाति अलग होती है। क्या गेहूं का बीज बोए और उसमें बबूल निकले? ऐसे नहीं हो सकता कि गेहूं जब बोएंगे तो एक बार बबूल पैदा होगा, फिर दूसरी बार बोएंगे तो फिर उसमें से आक पैदा हो जाएगा, तीसरी बार बोएंगे तो बरगद पैदा हो जाएगा। ऐसे होता है क्या? नहीं होता है ना। जो बीज जिस बात जाति का है जब बोया जाएगा तो वो ही वृक्ष बन करके पैदा होगा। तो ऐसे ही ये मनुष्य जाति का बीज है। इस बीज की यादगार में यहां बिंदी लगाते हैं, हैं? इस याद में टिकने के लिए मनुष्यों को टीका लगाया जाता है। उन्होंने तो टीका लगा दिया, वास्तव में हमें टीका नहीं लगाना है लेकिन उसकी याद में टिकना है। तो वो बिंदु दुनिया के जैसे जड़ बीज होते हैं ऐसे ये चैतन्य बीज है। क्या? वो जड़ बीज होते हैं, जड़ वृक्ष होते हैं और ये चैतन्य बीज है और इसकी भी अनेक जातियां हैं। कोई भैंस भैंसे की जाति का है, कोई छिपकली की जाति का है, कोई कीड़े मकोड़े की जाति का है, कोई जल जंतु है। तो अपनी अपनी जाति है ना। तो ये पहली बात उनकी बुद्धि में बैठाना पड़े कि आत्मा जो है वो बीज है, जैसे वो जड़ बीज होते हैं उनकी अपनी जाति होती है, वैसे ये चैतन्य बीज है और ये चैतन्य बीजों की भी अपनी अपनी जाति होती है। ऐसे नहीं कि मछली की आत्मा जो है वो हाथी बन जाएगी। हाथी तो थलचर होता है और मछली जलचर है, तो अंतर होगा ना। तो ऐसे ही उनकी बुद्धि में पहले पक्का करना पड़े कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो और ये भी मनुष्य सब बिंदु बिंदु आत्माएं हैं और इनकी अपनी अपनी जाति अलग अलग है आत्माओं की। दूसरी बात, फिर न माने, हीला हवाला करे तो बताओ, देखो अखबारों में निकलता है, कभी कभी निकलता है ना कि इस बच्चे ने अपने पूर्व जन्म की बात बताई और वो लोगों ने तफ्तीश की तो वो बात सच्ची निकली। वो बताता है हमारे माँ बाप यहाँ हैं, हमारे गांव का नाम ये है, हमारा ये भैया है, हमने यहाँ जमीन गाड़ी, जमीन में अपनी संपत्ति गाड़ी हुई है, तो सारा निकाला जाता है तो सब सही निकलता है। तो मनुष्यों का ही क्यों निकला?
कोई 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 जो बच्चा है बताने वाला, वो ये क्यों नहीं बताता कि हम पिछले जन्म में हाथी थे, हम पिछले जन्म में मकोड़ा थे, हम जब मरे थे तो हमारी हड्डियां वहां दबी हुई हैं हाथी के रूप में। कोई बताता है क्या? इसे क्या साबित होता है? मनुष्य का जन्म मनुष्य का ही होता है। मनुष्य 84 लाख योनियों में अगर जन्म ले तो कीड़ा मकोड़ा बनकर सुधर जाएगा क्या? कीड़ा मकोड़ा में तो बुद्धि ही नहीं होती है, सुधरने का सवाल ही नहीं। पाप कर्म भोगने के लिए कीड़े मकोड़ों का जन्म लेने की क्या दरकार? क्या मनुष्य का जन्म लेकर के पाप कर्म नहीं भोग सकता? मनुष्य तो और ज्यादा दुख भोगते हैं क्योंकि ज्यादा इंद्रियों वाले हैं। कीड़े मकोड़ों में तो उतनी इंद्रियां भी नहीं होती है जो ज्यादा दुख भोगे। मनुष्य का जन्म लेकर के आदमी बहुत दुख भोगता है, तो पाप कर्म भोगने के लिए भी दूसरी योनियों में जाने की दरकार नहीं है। इस सारी बातें इकट्ठी कर, सब लिखा हुआ है ना किताबों में, बार बार पढ़ो, बार बार बुद्धि में धारण करो और फिर उनसे जिरहबाजी करो। बाबा हाँ, वो भक्ति मार्ग के चित्रों में हाँ, वो जो शंकर को आराम से लेटा हुआ बताया है, लेकिन उसका क्या मतलब है? ये विष्णु को आराम से लेटा हुआ नहीं दिखाया है, सिर्फ शंकर को ही दिखाया है, विष्णु को नहीं दिखाया। शंकर के लिए बताया, शंकर जी तो और ही औंधे लेटे हुए हैं, विष्णु को तो और आराम से पांव फैलाए हुए बैठा हुआ दिखाया, तो लेटा हुआ दिखाया गया। शंकर का चित्र है हाँ, शंकर का जो चित्र है वो छोटे बच्चे के रूप में है, जो पड़ा हुआ है पट्ट, छोटे बच्चे हाँ, छोटे बच्चे के रूप में वो आराम से है क्या? जैसे कोई आदमी किसी को उठा के फेंक देता है तो पट्ट गिरता है जाके, तो जो गिरा हुआ है रूप जो दिखाया गया है, सोया हुआ रूप दिखाया गया है, और जो विष्णु का आराम से शेष सैया पर लेटा हुआ चित्र दिखाया गया है, तो दोनों में ज्यादा आराम किसको है? विष्णु को है, शंकर को थोड़े ज्यादा आराम है। शंकर का पाठ तो आराम का नहीं होता ना, हाँ, इसीलिए उसको पट्ट पर पड़ा हुआ दिखाया गया हाँ। क्या हाँ, जमीन बकोड़ रहा है और जैसे बाबा जीव जंतु हमारे पृथ्वी पे ये जन्म जाना तक जीव जंतु ही को जन्म नहीं हो। अरे गेहूं का पौधा होगा तो जन्म जन्मांतर उसको बोते रहो तो काहे का जन्म लेगा? कौन से पौधे का जन्म लेगा? बबूल बनेगा कभी? गेहूं का पौधा जन्म जन्मांतर गेहूं ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? जन्म जन्मांतर जो जाति का बीज होगा वो ही रहेगा, दूसरा नहीं हो सकता। और ऐसे कह रहे हैं कि कई बार घर में से गुजर जाते हैं ना, पितर बन जाते हैं हाँ? फिर वो सांप के रूप में दिखते हैं, फिर घर के किसी मेंबर में प्रवेश करते हैं, फिर वो अपना सांप का चोला भी दर्शन देते हैं। ये सिर्फ देखा ना स्वप्न में, सपने में ही देखा ना, कई बार तो जिस घर में वो शरीर छोड़ता है उस घर में उसकी उसमें निकलता है, जिस घर में इसमें लगाव जाता होता है हाँ। तो साकार में दिखता भी है, साकार में वही आत्मा सांप बन के आई है, दूसरा सांप आ गया, ये कैसे मालूम हाँ। तो तुमने अवधारणा बना ली, कई परिवारों में सुनने में आया सुनी बातों में और फैक्ट में अंतर होता है ना। उस आत्मा ने प्रवेश करके उसमें ये भी बताया कि मेरा स्थान, जिन आत्माओं ने प्रवेश करके बताया
वो आत्माएं भूत प्रेतों की आत्माएं होती है या देवताएं देव आत्माएं होती है, भगवान होता है? भूत प्रेत ही होते हैं ना। और भूत प्रेत कब बनते हैं मालूम है? भूत प्रेत वो बनते हैं जो अकाले मौत शरीर होते मौत होती है जिनकी, या तो सुइसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। क्या? जीव हत्या करने वाले, दूसरों की हत्या करने वाले, ये पापात्मा होते हैं या पुण्यात्मा होते हैं? पापात्मा होते हैं, उनके ज्यादा पाप न बढ़े, इसलिए एक विधान रखा हुआ है कि इनकी अकाले मौत हो जाए तो उनके पाप ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। जब तक उनको सूक्ष्म शरीर मिलेगा, भूत प्रेत का शरीर मिलेगा, तो जो भूत प्रेत आत्मा है प्रवेश करके वो कुछ भी दूसरों को बुद्धि को घुमा सकती है? वो तो सूक्ष्म शरीर है ना, उनको उनमें ज्यादा ताकत होती है या शरीरधारी में ज्यादा ताकत होती है? उनमें ज्यादा ताकत होती है। बट्टी के ज्ञान योग में चल रहे हैं जैसे तिंगी, उनमें कई आत्माएं मतलब ज्ञान योग करते हैं फिर भी वो बीमार, मतलब प्रवेश किसी आत्मा के सोल के कारण शरीर भी बीमार है, मनबुद्धि भी बीमार है, तो फिर भी उन आत्माओं के प्रभाव से नहीं छूट पा रही वो साकार आत्माएं हैं। तो इसके लिए क्या निवारण करें इस चीज का? अरे उनका पूर्वजन्म का हिसाब किताब होगा तो हिसाब किताब पूरा नहीं करना पड़ेगा उनका पूर्वजन्म, नहीं बीच में नहीं बोलो, उनका हिसाब किताब पूरा करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, हर कर्म का हिसाब किताब आत्मा को पूरा करना ही है, कोई का किस रूप में, कोई का किस रूप में, कोई का किस रूप में। जल्दी चुकतुर कम कष्ट कैसे हो? जल्दी चुकतुर तो बाबा की याद से, और कोई दूसरा उपाय नहीं। कष्ट भी बहुत भोगना भागा, जो कष्ट ज्यादा भोगते हैं तो वो बुद्धू है कि ज्यादा कष्ट क्यों भोगना, जब भगवान आया हुआ है तो ज्यादा कष्ट भोगने के लिए या सहज करने के लिए? भगवान मुश्किल को सहज करने वाला है या मुश्किल को और मुश्किल करने वाला है? सहज करने वाला है। बाकी यहाँ से सब कुछ हो जाएगा, मतलब उन आत्माओं को इतना विश्वास चाहिए ना कि बाबा साकार में आया हुआ है, प्रैक्टिकल में हमें प्राप्ति करा रहा है। एक ने कहा आया हुआ, अच्छा आया हुआ है, जाके चिपकने लगे। दूसरे का है रे वो तो हरामी है, भगवान नहीं है, शैतान है, बस गालियां देने लग पड़े। तो ऐसे थोड़े ही होना चाहिए, निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि भी चाहिए। और बाबा जैसे शरीर दूसरी आत्मा से शरीर छोड़ती है, और जैसे कहते हैं कि मतलब आप जैसे आत्म बटन हो जाती है, और जैसे जीवित होती होगी और वो अंधा हो जाता है, उसकी आंख फिर वो जीवित रहता है क्या? जैसे शरीर छोड़ता है धीदारी कोई, तो जैसे वो तो उसकी आंख बटन हो गई, और जैसे जीवित है और उसकी आंख से रोशनी निकल गई, वो दिखाई नहीं देता सब कुछ, दिखाई नहीं देता। हाँ, लेकिन उसके पलक तो झपकते हैं। दिखाई तो देता नहीं। अरे दिखाई नहीं देता है तो क्या हुआ? उसकी हरकत, शरीर की हरकत से पता तो चलता है कि इसकी पुतलियां नहीं चल रही हैं, लेकिन पलक तो चल रहे हैं, जिंदा तो है, आत्मा तो नहीं गई है। बाबा अष्टदेवों के लिए विशेष, जैसे अष्टदेवों में आने के लिए विशेष पुरुषार्थ है, मतलब किस तरह का, और अभी वो कहाँ है, किस कैटेगरी का पुरुषार्थ? अष्टदेवों का पहला पुरुषार्थ है नष्टो मोह स्मृति लब्धा। पहला पुरुषार्थ क्या होगा? देह, देह के संबंधों और देह के पदार्थों से उनका मोह औरों के मुकाबले ज्यादा परसेंटेज में आगे होगा। क्या? और जो पुरुषार्थी हैं उनका मोह साबित होगा, और उनका मोह प्रैक्टिकल में कोई साबित नहीं कर सकता दूसरों के मुकाबले, वो आगे होंगे नष्टो मोह में। तो अभी बाबा की नजर में वो होंगे, अभी अंत में वो ऐसे ही, अभी ऐसे प्रत्यक्ष है बाबा के साथ, ऐसे ही प्रत्यक्ष होंगे सारी दुनिया के सामने? प्रत्यक्ष नहीं होंगे सारी दुनिया, तो छोड़ो मुसलमानों के ग्रंथों में लिखा हुआ है क्या, आठ फरिश्ते खुदा के तख्त को उठाए हुए थे, तो उन्होंने कहां की यादगार लिखी? संगम की यादगार लिखी, मुसलमानों तक ने पहचान लिया, तो हम तो हिंदू हैं, हमें तो पहले पहचानना चाहिए। और
बाबा जैसे बहुत सी आत्मा ये बोलती है कि अभी हमारे जो योग में मन नहीं रुकता है और अंत समय पर हम आत्मिक स्थिति को पक्की कर लेंगे, तो ये सही है गलत है? जो मुख से बोलते हैं, गरजते हैं, वो दूसरों को प्रभाव जमाने के लिए बोलते हैं या वास्तव में बात सच्ची होती है? उन्हें बोलने की दरकार है? नहीं। अरे तुम जो कुछ करके दिखाओ, बोलने की क्या दरकार? क्या हम अंत में ऐसा करके दिखाएंगे? अभी करके दिखा दो ना। अभी करेंगे तो अंत करेंगे। हाँ, लंबे समय तक जिसका जैसा पुरुषार्थ रहता है, हाँ। वो अंत में तय भी सुगति होती है। और बोलो बोलो बोलो। योग कै बजे करें? योग करो ही मत, याद करो। योग का कंटा ही खत्म कर दो। जैसे अम्मा अपने बच्चे को याद करती है, ऐसे ही शिव बाबा को अपना बच्चा बना लो और याद करो। हमारा बच्चा, ये तो जानते ना, आज की दुनिया में पेट का पैदा हुआ बच्चा अम्मा की परवरिश नहीं करता है, सारा धन संपत्ति ले लेता है और ठुकरा देता है। लेकिन ये शिव बाबा बच्चा ऐसा आया हुआ है, हर माता की परवरिश करने के लिए, क्या जो माता ज्ञान में चले, भगवान बाप को पहचाने, बाप का बच्चा बने, तो उसकी परवरिश करने के लिए ये बच्चा बना हुआ। तो उस बच्चे को याद नहीं करना चाहिए? याद तो है ही। बैठ के, अरे अपने बच्चे को याद करने के लिए चकिया चलाते जाते हैं, बच्चा याद आता जाता है, और भगवान के लिए कहेंगे हम बैठ के याद करेंगे? ये तो खराब बात हो गई। भगवान के, अगर भगवान के बच्चे बने हैं, भगवान को हमने सच्चा सच्चा पहचान लिया है, सच्चा सच्चा संबंध जोड़ा है, तो काम करते भी याद आना चाहिए या बैठ के तपस्या, वो सन्यासियों की तरह बैठ के याद करेंगे तभी याद आना चाहिए? काम करते भी याद आएगा। तो नकली याद क्यों करना चाहिए? असली याद करना चाहिए। हाँ, और जो बताते हैं छोटी मम्मी 8 साल में आएगी या 7 की में आएगी? 8 साल में आएगी कि 7 की साल में आएगी? छोटी मम्मी जो है, हाँ। छोटी मम्मी जो है सन 7 या 8 में, उसके लिए वो तो बता दिया ना कि पहली मूर्ति प्रत्यक्ष होने में 15-16 साल लगते हैं। क्या सन 36 से लेकर के ब्रह्मा की मूर्ति, पहली मूर्ति प्रत्यक्ष होने में कितना टाइम लगा? 50-51 में जब माउंट आबू में आके ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बना, नाम दिया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, तभी तो दुनिया वालों ने जाना कि हाँ ये कोई ब्रह्मा है, उनकी कुमार कुमारियां हैं, उनका विद्यालय है। हुआ ना प्रत्यक्ष, तो कितने साल लगे? अरे 36 से लेके कितने साल लगे? 16 साल से भी ऊपर लग गए ना। तो ऐसे ही दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कितने साल लगे? 69 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, 68 के बाद, 68 के बाद शरीर छोड़ा, तो 69 से लेकर के 76 कितने साल हुए? 7-8 साल हो गए ना। तो 7-8 साल जब पूरे होते हैं, तभी तो दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई शंकर के रूप में। चलो हम लोगों ने नहीं जाना, बहुतों ने, लेकिन कोई ने तो जाना, तो जिन्होंने जाना उनकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हुआ ना। तो दूसरी मूर्ति कितने साल लग गए उसको प्रत्यक्ष होने में? 7-8 साल से भी ऊपर लग गए। संपूर्णता वर्ष 77 को मनाया गया, 76 में प्रत्यक्षता वर्ष और 77 में संपूर्णता वर्ष, तो 8 साल से भी ऊपर लग गए ना। 16 साल पहली मूर्ति को और दूसरी मूर्ति को 8 साल, तो तीसरी मूर्ति को कितना टाइम लगना चाहिए? कम से कम 4 साल लगेंगे ना, लगेंगे ना। तो कलयुग की शूटिंग कब पूरी हुई? 2004
उसमें चार साल और जोड़ दो 2008 और 2008 में भी सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी वो मूर्ति या कोई खास उसके होंगे नजदीकी जन्म जन्मांतर के उनके सामने प्रत्यक्ष होगी पहले उनके सामने होगी जो उसके खास अजीजी होंगे जन्म जन्मांतर के। अरे रामकृष्ण की आत्माएं हैं तो कोई उनके जन्म जन्मांतर ज्यादा नजदीक रहे होंगे और कोई नहीं रहे होंगे, तो जो ज्यादा जन्म जन्मांतर के नजदीक होंगे वो पहले पहचानेंगे ना। अरे ब्रह्मा की आत्मा को शंकर की आत्मा को जिन्होंने पहचाना तो उनका कोई हिसाब किताब होगा ना, पहचानेगा कोई हिसाब किताब नहीं होगा, वो 63 जन्मों का हिसाब किताब है। तो ऐसे ही 2008 के बाद प्रत्यक्ष तो होगा लेकिन सबकी आंखों के सामने विष्णु का जो स्वरूप है वो प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो फिर लड़ाई लड़ना शुरू कर दो, तुमने कहा था ये ऐसे तो हुआ ही नहीं। तो ठीक है बाबा, हाँ लेकिन मैं ये भी जैसे जैसे छोटी मम्मी आएगी ना तो जैसे बाबा की जोड़ी बनी वैसे आने से क्या है कि जो संघर्ष चल रहा है बीबी का कि बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए, बाबा को मान ले दुनिया, और दोनों का जो विध्वंस या संघर्ष चल रहा है। रुको जरा, ये था जैसे हमारे अभी बीके पीबीके में संघर्ष चल रहा है बाबा की प्रत्यक्षता में और परिवार के मिलने का विष्णु के नए पार्ट का। तो बीके पीबीके का जो संघर्ष है वो तुम्हें ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कोई बीके ऐसे भी है जिनका संघर्ष खत्म होता जा रहा है और वो बीके पीबीके में मिलते जा रहे हैं? पीबीके में आने के बाद उनको बाबा के लिए प्रत्यक्ष करना है, मम्मी के इंतजार करके दोनों फूलों को एक मिलाना और विष्णु का नया पार्ट, इसके लिए थोड़ा सा क्या थोड़ा सा मन में थोड़ा संघर्ष हो या मतलब उतावले मन में होगा। कोई ऐसी भी तो आत्माएं होंगी जिन्होंने पक्का कर लिया होगा कि 76 से ही मम्मी बाबा हमारे लिए तो दोनों प्रत्यक्ष हैं। फिर भी स्कूल में जो ना दोनों परिवार मिले हैं, ये जो संघर्ष है ना उनका हमारे उनके प्रति जो थोड़ा मतलब उतावलापन या जल्दबाजी, वो दोनों परिवार कभी नहीं मिलते, लास्ट में जाके 76 में मिलेंगे। अच्छा, क्योंकि एडवांस पार्टी में जो बीज रूप आत्माएं हैं वो हर धर्म के बीज हैं, जो दूसरे दूसरे धर्मों के बीज हैं वो बीज जाकर के उनसे मिल जाएंगे। तो अभी मतलब जिस जब उनसे मिल जाएंगे तो उनको ज्ञान देना शुरू करेंगे असली, जब असली ज्ञान भी उनके अंदर आ जाएगा तो अब के मुकाबले वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे या कम पावरफुल हो जाएंगे? और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। बाहर की दुनिया के जो धर्माधीश हैं, राज्याधीश हैं, राज अधिकारी हैं वो तो मुट्ठी में है ही है उनके, लेकिन ज्ञान नहीं है। फिर क्या होगा, उनकी बुद्धि में ज्ञान भी आ जाएगा और वो एक नहीं इस्लामियों के भी बीज जाके मिलेंगे, बौद्धियों के भी बीज जाके मिलेंगे, क्रिश्चियंस के भी बीज जाके मिलेंगे, जो भी विधर्मी है वो सारे ही जाकर के उनसे मिल जाएंगे। तो कितना भारी रिवॉल्यूशन करेंगे, अभी तो इतना कर रही है। अभी तो वो थोड़ा ठंडा हो जाता है फिर उठ जाता है, फिर ठंडा जैसे कभी बीबी या बीबी पीबी की सेवा हुई है तो किसी समय बहुत तेजी चल रहा है, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल चल रहा है। तो इस हिसाब से तो अभी जितने भी भगवान को पहचानने वाले धर्म हैं उन धर्मों में सबसे लास्ट वाला और कमजोर धर्म कौन सा है? आर्य समाज। आर्य समाज की पहचान क्या है? बहुत संख्या में शास्त्रवादी होते हैं, शास्त्र बहुत छपाते हैं, बहुत बांटते हैं। तो एडवांस की पार्टी में कौन निकला? एडवांस पार्टी में कोई ऐसा निकला जिसने बहुत किताबें छपा ली और बहुत बटवाई? विष्णु पार्टी निकली ना, वो डुप्लीकेट विष्णु पार्टी निकली ना, और वो डुप्लीकेट विष्णु पार्टी जब ब्रह्मा कुमारियों से जाके मिल गई तब ब्रह्मा कुमारियों ने एडवांस पार्टी के प्रति विकराल रूप धारण किया या उससे पहले भी कभी किया था? नहीं, उससे उनके मिलने से हुआ। ऐसे ही हुआ ना। हाँ। तो जो सबसे छोटा सा छोटा ग्रुप है एडवांस पार्टी का, कम पावर वाला, वो जब उधर जाकर के मिलता है तब उनमें इतनी पावर आ जाती है कि जो एडवांस पार्टी का मुखिया है उसको भी पकड़ करके जेल में झोंक देते हैं। तो फिर जब सारे ही मिल करके वहां इकट्ठे हो जाएंगे तो कितनी पावर आएगी जो ज्यादा दमदार है? वो तो पावरफुल है, लेकिन इधर फिर अपना ग्रुप जो है वो कम भी है और ठंडा भी थोड़ा सा, कुछ 2-4 सालों से ना कोई किसी सेवा का कुछ ज्यादा सफलता का या तेजी से तीव्र गति से बढ़ने की अपेक्षा नहीं है ना।
और मलगति से थोड़ा सा वो मुख्य कौन है, कौन से वंश का है? मुख्य तो सूर्यवंशी। तो जो सूर्यवंश का होगा वो उमंग उत्साह में होगा या कम उमंग उत्साह में होगा? उसका पुरुषार्थ जो है वो डाउन दिखाई पड़ेगा या चढ़ती कला का दिखाई पड़ेगा? तो जो चढ़ती कला वाले उनको देखो ना, ऐसे ऐसों का संग क्यों करते हो जो तुम्हें वो डाउन ही दिखाई पड़ता है? वो स्थिति तो मेंटेन है। कौन सी? सूर्यवंशी मेंटेन, तो उसी को देखो ना। जो बाकी जो एडवांस के बैठे हैं, जो गिरती कला वाले हैं, वो भगवान का अपोजिशन करने वाले हैं। अपोजिशन भी नहीं कर रहे लेकिन एडवांस में नहीं। कोई ऐसे खतरनाक होते हैं, चुपचाप घुस के बैठे रहते हैं कि हम तो परिवार के हैं, लेकिन अंदर से खार खाए बैठे होते हैं। तो ज्यादा खतरनाक हुए या कम खतरनाक हुए? वो तो ज्यादा खतरनाक है। तो हमारी नजर किसके ऊपर रहनी चाहिए? हाँ जी, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, बाबा के अच्छे अच्छे बच्चे हैं, श्रीमत पर चलने वाले हैं, हम उनको देखें। तो बहुत कम और पांडव कम थे या ज्यादा थे? कम थे। तो जो कम वालों को जिन्होंने देखा वो विजयी हो गए, और जिन्होंने 100 कौरवों को देखा वो हार गए। तुम कौन सी लिस्ट में जाने वाले? उमंग उत्साह में रहना चाहिए। जब तुम्हारे उमंग उत्साह में रहने से तुम्हारे आसपास के सब उमंग उत्साह में रहेंगे। तुम्हारा ही उमंग उत्साह है, इस तरह की बातें कर रहा है, कमजोर लोगों को देख रहा है। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं अच्छे पुरुषार्थी। अच्छे तो हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे। नॉर्मल क्लास करते हैं ना, कोई तेजी से सेवा हो रही है ना, कोई तेजी से प्रत्यक्षता, ना कोई स्पीड से काम नहीं हो रहा, मतलब जल्दी हर नंबर आ रहे ना। नहीं, वो तो समझ में आया। इस हिसाब से तो बाबा लंबा समय चलेगा 18 के बाद तक जो है। जब बता दिया अव्यक्त वाणी में अष्ट देवों से 2 साल से बात हो रही है अव्यक्त बाप दादा की, और उसमें स्पष्ट बता दिया कि अष्ट देवों से बाप दादा बात कर रहे हैं, और बच्चों से बात उनकी साबित ही नहीं हो रही। तो जिन अष्ट देवों से बात कर रहे हैं वो अष्ट देवों के लिए स्पष्ट बोल दिया कि बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दे दी है। इसका मतलब कोई नई दुनिया का संगठन का फाउंडेशन पड़ रहा है। अगर वो नई दुनिया का संगठन तैयार नहीं हो रहा है तो बाबा ने ऐसी बात कैसे बोल दी, पहले क्यों नहीं बोला? वो फाउंडेशन भी तैयार हो रहा है और फिर ये भी बोल दिया, उसमें आना जाना करते हो ना, तो उस संगठन में आने जाने वाले जो हैं तो उनको पहचान नहीं होगी? उनकी होगी या नहीं होगी? पहचान भी होगी। अब अपना अपना संग का रंग लगाने की बात है। दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज है? किसी को ये ग्रुप अच्छा लगता है किसी को वो ग्रुप अच्छा लगता है किसी को यही अच्छा लगता है। बाबा क्या करे उसके लिए? बाबा तो चाहते हैं सब हमारे दिल से लग जाए, हमारे दिल के अंदर बैठ जाए, लेकिन होता नहीं। पूर्वजन्म के जैसे जैसे संस्कार हैं, जैसे जैसे जिसके साथ अटैचमेंट है, वो ही वहाँ रील में घूमता चला जाए। भगवान भी चाहे तो कुछ नहीं कर सकता। बाबा इस बात के लिए थोड़ा समझाओ कि जैसे बाबा की मुरली चलती है तो उसमें आता है कि कल युग की दुनिया भी होगी, तो मैं बच्चों को सतयुग का वर्षा 21 जन्मों का देकर जाऊंगा, मतलब दुनिया भी होगी। मतलब एक बात बताओ, यज्ञ के आदि में कोई ऐसा सैंपल तैयार हुआ था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच खून की नदियां बह रही थी और वो सैंपल 400-500 का आराम से पड़ा हुआ था कराची में?
हुआ था? सुना है बाबा। सुना है? हुआ नहीं था? हुआ होगा, जब तो सुना है। हुआ होगा पक्का, विश्वास नहीं। आपकी उस टाइम की बात आप आदि में तो हम थे, लेकिन अभी लेकिन हम उस ग्रुप में नहीं थे। बाबा ने बोला है तो बाबा की बात तो पत्थर की लकीर होनी चाहिए या उसमें थोड़ा हिला हवाला करना चाहिए। आदि में जो हुआ वही तो अंत में होगा। आदि में छोटे रूप में हुआ और अंत में बड़े रूप में होगा। तो आदि में जब ऐसा सैंपल तैयार हो गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में 1947 में खून की नदियां बह गई, ट्रेनें की ट्रेनें काटी जा रही थी, और वो भी दिल्ली राजधानी के अंदर नहीं, पाकिस्तान की राजधानी कराची के अंदर ऐसा था। क्या कराची मुसलमानों का देश, और उसमें 300-400 हिंदू कन्याएं माताएं जिनकी संख्या ज्यादा थी, जबकि हिंदुओं को देखते ही क्या कर देते थे, मुसलमान काट मार देते थे। तो वो ग्रुप इतने आराम से पड़ा रहा भाई, इतना उसको सेफ्टी रही, तो इतना वहां हो सकता है अब नहीं हो सकता है? अरे हाँ ना, कुछ बाबा कैसे आप बताते हैं ना, कलयुग की दुनिया होगी, मतलब ये कलयुग की दुनिया भी होगी। अरे वो 1947 में कलयुग की दुनिया नहीं थी? 1947 में भी तो कलयुग की दुनिया, उस समय इतना घोर कलयुग तो नहीं था। बाबा ने श्री कृष्ण का 18 के लगभग जन्म बताया ना। अच्छा, तो उसमें ही बाबा की प्रत्यक्ष और पूरा ड्रामा समेटने वाली भारी रिवेलेशन वाली बात थी, तो 36 तक चलेगी या 18 में के लगभग ही हो जाएगी? 36 तक चलेगी, तो इस हिसाब से 30 साल है, 18 में तो अभी 10-12 साल है। और कई तो ये इंतजार कर रहे हैं कि भाई विष्णु जो आई छोटी मम्मी आएगी तो दोनों परिवार एक होते ही सब कुछ 3-4 साल में ही, और तीन तीन जो है इस तरह की विचारधाराएं हैं। झाड़ के जब तीन ग्रुप हैं, झाड़ है ना मनुष्य सृष्टि का, उसमें एक तो सीधा ही ऊपर से नीचे से ऊपर तक जाता है, तो उसकी मेंटेलिटी कुछ और होगी। एक दाई ओर मुड़ जाता है, उसकी मेंटेलिटी कुछ और होगी। एक बाई ओर के धर्मों में बाम मार्ग में मुड़ जाता है, इस्लामी क्रिश्चियन मुसलमान, तो उनकी मेंटेलिटी कुछ और ही होगी। ऐसे यहाँ भी ऐसा है, कोई बड़ी बात थोड़ी। बड़ी भारी रिवॉल्यूशन का जो समय है ना, हाँ, उसका आइडिया सब अलग लगाते हैं। लगाने दो ना। शुरू का पार्ट जो है शुरू होते ही शुरू हो जाएगा 4-5 साल में, कोई कहता 18 के लगभग प्रत्यक्ष तो भी भारी रिवॉल्यूशन हो गया बिना जाएगा, कोई कहता 36 तक चलते चलते फिर 36 में लास्ट में यानी 30 साल तक ड्रामा चलेगा। इसमें पूरी सत्यता किस नाक में दम आ गई क्या? कब तक चलेगा, क्या होगा, बता दिया। 100 साल का संगम युग है, इससे ज्यादा तो नहीं बताया। क्योंकि बाबा 3-4 साल के हिसाब से ना कई जगह परिवार वाले को ना तो कोई प्रॉपर, दुनिया वालों को छोड़ो तुम क्या कह रहे हो, अपने ज्ञान की बात करो, अपने ज्ञान की बात तुम क्या कह रहे हो, अपना प्रश्न समाधान करो ना। नहीं, मेरा मतलब ये कि जैसे कई LIC पॉलिसी कोई 3-4 साल में प्रॉपर्टी बेच के कर रहा है, कोई LIC बंद करा रहा है 3-4 साल का ही मामला, वगैरह 14-15-18 में निपट जाएगा। तो जो भी लौकिक जो हिसाब है संपत्ति का, LIC बीमा है या पैसा है, वो इस हिसाब से इन्वेस्ट करने की वाली बात है। दुनिया की बात छोड़ो, तुम अपनी बात बताओ। अपनी बात आपके नहीं बता रहे, इनकी भी बात बता रहे। जिसके लिए हम तैयार हैं, अंत तक तैयार हैं, तो उसके लिए ये दुनिया ये क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो क्या, कोई कनेक्शन ही नहीं। बकने दो, तुम्हारा कोई अपना पर्सनल प्रश्न हो बताओ। तो बता दिया 100 साल का संगम युग है, 100 साल का संगम युग है, तो 100 साल के बाद ही संपूर्ण सतयुग स्थापन होगा, उससे पहले संपूर्ण सतयुग नहीं हो सकता।
संपूर्ण सती हूँ मैंने 9,16,108 की आबादी संपन्न होगी, इससे पहले नहीं। और जब बाबा ले जाओगे तभी चले जाए साथ के। चलो भट्टी के लिए कितनी बार तैयार करते हैं, तैयार होते हैं सही है संग चलो तो बहुत बड़ी बात है। नहीं 7 दिन के लिए तो निकलो पहले कदम कुछ बढ़ाना पड़ेगा ना, कदम तो बढ़ा देंगे नाम आ जाए। बोलो बोलो कुछ बात है। यहाँ यहाँ संसार कोई छोटा रूप होगा, बाहर की दुनिया में जाके फिर बड़ा रूप होता जाता है, इसलिए अंदर कुछ कुछ भी है, थोड़ी कंकड़ी पड़ी हुई है तो निकाल के बाहर करो। किसने कर लिए सो हाथ उठाओ जरा, जिन्होंने कंपिल में जाके जिन्होंने कंपिल या फरुखाबाद में जाके भट्टी कर ली है सो जरा हाथ उठाओ, हाथ अच्छी तरह ऊपर करो। एक हाथ एक हाथ दोनों हाथ एक हाथ जब माता ने दोनों हाथ उठा दिए वो पीछे अच्छा ठीक है एक हाथ मार रहे कहा आई नहीं हूँ बाबा कौन कौन तीन रह गई बाबा तीन रह गई आप में जो यहाँ है नहीं भट्टी कर ली। हाँ तो इनकी सिस्टर और उनके युगल है। हाँ एक प्रेमा माता है वो जाजपुर उनके फोन काम नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा चलो अगली बार हो जाएगा। अच्छा ठीक है जो भट्टी नहीं करने वाले हैं जिन्होंने भट्टी नहीं की है बाप के जा घर में जाके पैदा ही नहीं हुए। जैसे बच्चा होता है तो पहले पहले शरीर छोड़ता है फिर बाप के घर में जन्म लेता है ना, वो तो 9 महीने लगते हैं, यहाँ तो 9 दिन की बात है, 1 दिन जाना एक दिन आना 7 दिन की भट्टी। तो जिन्होंने भट्टी नहीं की है सो हाथ उठाओ, हैं तो सब सच्चे सच्चे हैं। और क्या है? दो पालाएं होगी एक उधर की पीछे की एक आगे की। अच्छा अच्छा ठीक है जल्दी जल्दी करो भट्टी नहीं तो भगत की लिस्ट में आ जाओगे। अभी वो दिसंबर में प्रोग्राम है दिसंबर में जो चलना चाहिए ना चलना। भगत की शूटिंग नहीं करना है, भगत ऐसे ही भागते रहते हैं उन्हें भगवान नहीं मिलता, जो जैसे कह देगा वैसे ही मान लेंगे। अरे सुनो बात तो सुनो। हाँ मतलब हमारे वहाँ पर ये कल्याण कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। अच्छा अपने सब कैंसिल कर रही पर मतलब पिताजी ने बाद में सब करवा ले पड़ेंगे तो मतलब करवा रहे पर सब शांत है ये मान लेंगे। अच्छा बंद हो से कन्या आग ना बन दे हैं आग पिताजी घर से बाहर ना निकल दे आग ना जान दे। अच्छा ना कितनी भी जान दे ना कोई प्रोग्राम जान दे अब रो रहे घर पे कि मैं कैसे करूँ बता दू। मैं तो बाबा की बन गई तो उन्होंने सुन तो लिया ज्ञान तो सुन लिया समय कमाई करे बाबा। अब ज्ञान सुन लिया तो घर में बैठ के याद करे। जैसे यज्ञ के आज में कन्याओं माताओं के बंधन अचानक टूट गए क्या हुआ, जिन्होंने ज्यादा बंधन में डाला उनके ऊपर अचानक कहर टूट पड़ा। हिंदू मुसलमानों की ऐसी लड़ाई हुई कि जो 7-7 तालों के अंदर कन्याओं माताओं को बांध करके रख रहे थे उनको सबको भागना पड़ा छोड़ के क्या सब भूल गए।
कि इनको इनको बंद रखना है कि नहीं रखना है, इनको क्या, ऐसे ही छोड़ के भाग गए, पूरा मकान छोड़ के भाग गए, पूरे संबंध भी छोड़ के भाग गए, ऐसी स्थिति आ गई। ऐसे ही अब फिर होगा, ज्यादा दबाव देंगे, ज्यादा बंधन में डालेंगे तो ऊपर वाला ऐसे बंधन में डालेगा तो दर दर भटकना पड़ेगा। अब छुट्टी होने वाली, छुट्टी हो जाएगी, ऐसे हम देंगे वैसे बिल्कुल सच्चे आदमी। वो 300-400 कन्याएं जो सिंध हैदराबाद बांध बांध कर रखी थी 7-7 तालों, वो सब छुटकारा मिल गया, सब बाबा के पास पहुंच गई। जो आदि में हुआ सो अंत में होगा। बाबा 108 आत्माएं जो ज्ञान की चमक मानने वाली हैं, 108 आत्माएं ज्ञान की, 108। अरे 4.5 लाख सितारे हैं आसमान में जो रोशनी देते हैं, चमक मारते हैं, तो 4.5 लाख नहीं, 4.5 लाख जन्म लेने वाले और 4.5 लाख जन्म देने वाले 4.5 लाख जन्म लेने वाले, 4.5 लाख जन्म देने वाले, 9 लाख सितारे सारी दुनिया में ज्ञान की चमक मारेंगे। 108 में 4.5 लाख कहाँ से आ जाएंगे? 4.5 लाख में 108 भी होंगे। उन 4.5 लाख चमक मारने वालों में, ज्ञान की चमक मारने वालों में 108 भी शामिल है। और टाइम खत्म होता जा रहा है, अंदर बात है कुछ तो निकाल दो। हमारी आत्मा के लेना तो सच्ची बाबा की तरफ, घर में कोई हलचल ला रहे ऐसा। तुम्हारी लगन की परीक्षा कैसे होगी? लगन की परीक्षा कैसे होगी कि सच्ची लगन है कि झूठी लगन? सच्ची लगन है। तो परीक्षा लेने वाली परीक्षा नहीं लेंगे? वो हलचल डाले और तुम अचल हो करके जब उनका मूड अच्छा हो तब उनसे बात करो। एक बार बात करो, दो बार बात करो, तीन बार बात करो, चार बार बात करो, जब वो देखेंगे अरे तो पीछे अच्छा जा। ऐसे कई बार हम जाएंगे तो हम पूछ के नहीं जाएंगे, भक्ति करके जाएंगे, दोनों चिपक के नहीं जाएंगे। फिर आखिरी नंबर आयो हमारो तो हम तो कह रहे के खुद जाओ, जब जब लगे लगे रहे पीछे तो ये के जाओ। अरे भगवान के साथ तो तुमने बाद में एग्रीमेंट किया, क्या सबसे पहले एग्रीमेंट किसके साथ किया? तो जिस पति के साथ शरीर का एग्रीमेंट किया वो भी तो निभाना पड़े ना, वो जब परमिशन दे तब जाओ। चोरी छिपे जाओगे तो उनकी बुद्धि में यार ले आओ ये ज्ञान क्या सुनाते हैं, तो चोरी सिखाते हैं। तो छिपे के जाएंगे तो हमारे दिमाग को मिल रहा है वो सही ज्ञान में सुन ले और साहूकार ही तो जाना चाहिए। और बाबा चोर के या साहूकार के नाम है चोर के या अरे ऊपर मंडी नाम धर रहा है क्यों बाबा वाला ऊपर मंडी समझा नहीं क्या सड़क में जाने के लिए चोरी करके जाना पड़ेगा? अच्छा कृष्ण का नैया ने मक्खन चोरी से चुराया था इसलिए ऐसी बात थोड़े ही है। सचखंड की स्थापना सच्चाई से होगी या झूठ से होगी? सच्चाई से। इतने सच्चे बनेंगे वो बाहर की दुनिया में भी सच्चे रहेंगे और ब्राह्मणों की दुनिया में भी सच्चे रहेंगे, वो ही सचखंड स्थापन करेंगे। थोड़ा भी झूठ के संस्कार होंगे तो वो पक्के हो जाएंगे। सच्चे दिल पर साहब राजी।
बाबा तो बता रहे हैं दोनों तरफ तोड़ने बाबा बाबा श्याम को हमने तुम्हारे शरीर जो शरीर के संबंधी है उनके साथ भी तोड़ने वाली और जो आत्मा का बड़े से बड़ा संबंधी है उसके साथ भी तोड़ने वाली बाबा हमको तुम्हारे समाचार मिले श्याम को के बाबा आएंगे सेंटर पे अभी अपनी बात मत बताओ अभी ज्ञान ज्ञान की बात पूछो थोड़ा सा टाइम और बचा हुआ है पति परमात्मा है भाई को परन्ने पति परमात्मा है पति परमात्मा है छोटी मोटी आत्मा नहीं है परमात्मा है तो परम काम करके दिखाओ ऐसे ना कि ऐसे नहीं कि वो आत्मा से परमात्मा भाई सदगति करेगा बिना पहचाने ईंट पत्थर थोड़ा ही सदगति कर देगा हाँ पति की जी कह रही है तो सदगति कौन करेगा पति परमात्मा बता तुमने के बीच में चले जाओ मैं सदगति तो कर ही ना परमात्मा ही मान लेंगे मैं सदगति कर दे परमात्मा करे अब तुम तो बोल लेती हैं वो बोल नहीं पाती है अपने पति के नाम ऐसे बोल रही चलो बस हो गया अब आपके पास है